कि ये लोलारा कुंड के पीछे जो है ये माँ गंगा है। उस दिन मैं आपको नीचे से दिखा रहा था दृश्य जो है कि इधर से भी एक रास्ता है ऊपर आने के लिए, तो ये इधर से भी आप ऊपर आ सकते हैं। और ये ऊपर आने के बाद देखिए ये एक बहुत पुराना मंदिर है, आपको दिखाते हैं हम कि इधर से अस्सी घाट से के लिए आएंगे, अस्सी चौराहे से जब इधर तो आप तुलसी घाट पे होते हुए जो है इधर आएंगे। और ये देखिए एक पुराना बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे ऊपर, ये देखिए बजरंगबली का मंदिर है, आपको दिखाते हैं हम, ताला बंद है अभी तो, ये देखिए आप। और यहाँ पीपल का पेड़ है, शनि भगवान भी है यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे लोग आते हैं पूजा पूजा अर्चना करते हैं। आप देख सकते हैं जो है कि, और एक यहाँ देखिए छोटा सा शिवलिंग भी है, ये देखिए महादेव को फूल चढ़ा हुआ है। सुबह ही सुबह लोग आके यहाँ पूजा अर्चना कर जाते हैं, महादेव को माँ गंगा से स्नान करा देते हैं। और ऐसे लोग के जीवन में, ये देखिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये पीपल का वृक्ष जो है, देखिए कितना पुराना वृक्ष है, अब मैं अभी थोड़ा सा नीचे से दिखाऊंगा। ये देखिए देखिए इसे आप देख पा रहे होंगे ये कितना पुराना वृक्ष है, ये पीपल का लगभग 100 वर्ष पुराना। इसकी देखिए ये देखिए कितना इसकी डाल देखिए, यहाँ तक पूरा छाया हुआ है। यहाँ लोग कभी कभी आते हैं माँ गंगा की दर्शन करने, तो यहाँ बैठने का थोड़ा स्थान है, यहाँ पे लोग बैठते हैं माँ गंगा का दिव्य दर्शन करते हैं। यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ से पूरा आपको ये दिख रहा है नीचे, ये तुलसी घाट का ऊपर का स्थान है। देख रहे होंगे ये साइबेरियन पक्षी हैं, ये जो है यहाँ पे ठंडी के मौसम में आते हैं। यहाँ से देखिए पूरा दृश्य घाटों का दिख रहा है, मैं तो आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बहुत दूर तक जहाँ तक दिखा पा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, से दर्शन करने के बाद बजरंगबली का आप यहाँ फेरी लगा सकते हैं शनि भगवान का। उसके बाद यहाँ पे महादेव का यहाँ भी एक शिवलिंग है, देखिए यहाँ भी आप दर्शन करें। और दर्शन करते हुए इस सीढ़ी से द्वारा उतरे हैं आप, ऐसे आएँ नीचे और छोटे छोटे शिवलिंग, इतनी श्रद्धा है लोगों में। जैसे आपको पता होगा कि पूरे काशी में बहुत सारे महादेव के मंदिर हैं, मैं भी और भी मंदिरों से आपको परिचित कराऊंगा, वहाँ पौराणिक कथा के बारे में, वहाँ की मान्यता के बारे में बताऊंगा। जैसे अगली बार मैं ले चलूँगा आपको केदार जी, केदारेश्वर महादेव, वहाँ का एकदम दिव्य भव्य रूप से महादेव वहाँ विराजमान हैं, माँ गंगा ठीक सामने हैं उनके जो है, मैं आपको वहाँ ले चलूँगा अगली वीडियो में। तो बाड़ी को विराम देता हूँ, हर हर महादेव।